बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की अपनी अपनी प्लेइंग 11। दोनों टीमों में शामिल हुए खतरनाक खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मुकाबलों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि पिच किस प्रकार की रहने वाली। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया पहले दिन से ही टेस्ट मुकाबले में अपना दबदबा बनाए तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के टीम के बारे में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में अब तक सिर्फ एक बार ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाई है और वो ट्रॉफी इन्होंने 2004 में जीती थी। उस ट्रॉफी के अलावा हम बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत में अब तक ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ 3 ही मुकाबले जीत पाई है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम इस मुकाबले में या फिर यूं कहे इस ट्रॉफी में भी पूरा दमखम दिखाने वाली है और टीम इंडिया अगर जीतती है तो फिर WTC के फाइनल में भी अपनी जगह बना लेगी। तो दोस्तों हम यहां बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओपनिंग जोड़ी की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दो बेहतरीन बल्लेबाज व सबसे खतरनाक बल्लेबाज इस टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नंबर 3 की, तो यहाँ पर इस टीम की तरफ से मार्नस लाबुसानी खेलते हुए नजर आएंगे। इनका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, तो यहाँ पर मार्नस लाबुसान से भी काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो वहीं पर नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ खेलते हुए नजर आएंगे जो कि इस समय टेस्ट के काफी शानदार प्लेयरों में से एक हैं। तो वहीं नंबर 5 पर ट्रेविस हेड उतरेंगे, तो नंबर 6 पर एलेक्स कैरी उतरने वाले हैं। इन दोनों बल्लेबाजों से भी टीम को काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर एस्टन एगर उतरेंगे, तो नंबर 8 पर नॉथन लियोन उतरने वाले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों से यहाँ पर काफी शानदार स्पिन गेंदबाजी की उम्मीद होगी। इसके बाद नंबर 9 पर टीम के कप्तान पैट कमिंस उतरेंगे, तो नंबर 10 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे मिचेल स्वेप्सन, ये भी एक अच्छे गेंदबाज है। तो वहीं पर नंबर 11 पर स्कॉट बोलैंड हमें खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम इस तरह से स्पिन गेंदबाजी अटैक के साथ उतरने वाली है क्योंकि यहाँ की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मददगार होने वाली है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और KL राहुल टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहां पर पहले ही मुकाबले की पहली पारी में दोनों बल्लेबाज कमाल करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर टीम इंडिया की तरफ से चेतेश्वर पुजारा खेलते हुए नजर आएंगे, चेतेश्वर पुजारा अपनी अच्छी फॉर्म बरकरार रख सकते हैं। वहीं पर नंबर 4 पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे, पिछले कुछ समय से बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं विराट कोहली, तो इनसे भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वहीं पर दोस्तों इसके बाद नंबर 5 पर टीम इंडिया के लिए दो बल्लेबाज तैयार है, एक शुभमन गिल तो दूसरे है सूर्य कुमार यादव, लेकिन यहाँ पर टीम मैनेजमेंट तय करेगा कि कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर हमें खेलता हुआ नजर आएगा। वैसे चांस है कि यहां पर सुमन गिल को मौका मिलेगा। इसके बाद विकेटकीपर के तौर पर KS भरत नंबर 6 पर उतरेंगे, तो नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों नंबर 8 पर हमें रविचंद्रन अश्विन दिखने वाले हैं। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के लिए बड़ा रोल निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ पर कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल में से कोई एक दिखेगा। चांस है यहाँ पर कुलदीप यादव को मौका दिया जाए, लेकिन अगर बल्लेबाजी लंबी करनी है टीम इंडिया को तो फिर अक्षर पटेल बड़ा रोल निभा सकते हैं। वहीं पर नंबर 10 पर मोहम्मद शमी उतरेंगे, तो नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज उतरने वाले हैं। दोस्तों देखा जाए तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 काफी मजबूत नजर आ रही है और वही ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 से तो काफी ज्यादा मजबूत है ही अपने घर में, और टीम इंडिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकती है। वैसे पिच की बात करें तो स्टैंडिंग पिच रहने वाली है जहाँ पर स्पिन गेंदबाज बड़ा रोल निभाएंगे। तो आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत पाएगी, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।